जी, तो ये दो प्रॉब्लम रहते थे जो हमें करने थे, तो हम कर लेते हैं इनको। ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है और इसकी भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये समाव किसी फार्मूला के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे इन प्रोडक्ट जो है फार्मूला के अंदाज में इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारे पास जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्चुअली फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मुझे यह लग रहा है कि ये जो है इसी किसी फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूंगा। एक जगह पे मेरे पास क्या है 2/3x, बी की जगह पे मेरे पास क्या है 3/2x। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्या 2/3x, ठीक है, और बी की जगह पे मैं कहूंगा मेरे पास 3/2 क्या है, 3/2x है। ठीक है, इसको मैं फॉलो करूंगा। फिर मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर लिखना है, तो मैं इसी का स्क्वायर लिखूंगा और कंफर्म करूंगा या क्या इसके बराबर है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 2/3x का जो है मैं यहाँ स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो क्या 2 का स्क्वायर 4 आएगा? जी, 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो यहाँ है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा तो यहाँ है। x² x² आएगा तो यहाँ है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म तक तो सही है। फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए बी लिखूंगा। एक जगह पे क्या है 2/3x, ठीक है, बी की जगह पे क्या है, मैं अगर इसको यहाँ लिख लूं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे हमें आसानी हो जाए। ठीक है, ए बी मुझे लिखना है। एक ही जगह पे मेरे पास क्या है 2/3x, तो मैं लिखूंगा 2/3x। ठीक है, और बी की जगह पे मेरे पास क्या है 3/2x, 3/2x। ठीक है, तो देखें अगर मैं देखूं 2x न्यूमिरेटर से, न्यूमिरेटर से 2x कैंसिल हो जाएंगे, 3x डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या मेरे पास 1 है एग्जैक्टली यहाँ? जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ 1 है बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ मैं ई बी वाला टर्म भी जो है मेरे पास मिल रहा है यहाँ पे। फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, बी क्यूब सॉरी बी स्क्वायर, तो मैं कंफर्म करूंगा क्या बी स्क्वायर वाला भी ये टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो सेम ही दे रहा है, तो मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या होना चाहिए बी स्क्वायर। तो बी क्या है 3/2x जो है उसका मैं स्क्वायर लिख लूंगा। ठीक है, तो क्या 3/2 का जो स्क्वायर है वो सेम यहाँ आ रहा है? तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, तो 9 है बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 4 है। x² x² आएगा तो ये है। इसका मतलब ये सारा का सारा बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए क्यू माइनस बी क्यू के। ए किसके बराबर है 2/3x के, बी क्यू किसके बराबर है 3/2x के। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, एक जगह पे हमारे पास क्या है 2/3x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी क्यू, बी की जगह पे क्या है 3/2 2/3x³ होगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, x³ सेम आ गया। 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और x³ आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। तो हमें प्रोडक्ट फाइंड कर ली बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ स्पेस है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी मेक क्रिएट स्पेस, तो है हमारे पास बिल्कुल स्पेस है। तो सेकेंड वाला फार्मूले में मुझे लग रहा है या वो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा वाला, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है या ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब होता है आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है मुझे उस किस्म की जो है ये अपने आप में शो दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ याद कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले में कंपेयर करूंगा। एक जगह पे यहाँ शो कर रहा है 4/5x, बी की जगह पे शो कर रहा है 5/4x। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करके देखूंगा और चेक करूंगा क्या ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे यानी ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं। तो एक जगह पे मेरे पास क्या है 4/5x माइनस 5/4x। ठीक है, ए बी को मैं ये सपोज कर रहा हूँ। फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, ए ए स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको उठा के मैं स्क्वायर दे दूंगा, फिर कंफर्म करूंगा क्या ये ए स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा 5/x जो है यानी 4x/5 होल स्क्वायर मैंने दिया। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो है बिल्कुल। x² x² होगा जो हो, ये है बिल्कुल। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये टर्म भी
जो है इसका मतलब ये टर्म तो फिलहाल कंफर्म हो गया। फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, ए बी, तो मुझे ए बी यहाँ चेक करना है, प्लस ए, ए की जगह पे क्या है 4 अपान 5 एक्स, ठीक है, बी की जगह पे क्या है 5 अपान 4 एक्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 1। क्या ऐसा कोई टर्म है जहाँ प्लस 1 हो, जी प्लस 1 वाला टर्म भी मेरे पास है, तो उसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो लेट्स चेक, मुझे क्या चाहिए बी स्क्वायर, तो मैं 5 अपॉन 4 एक्स होल स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या 25 है मेरे पास, जी बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 मेरे पास है, जी बिल्कुल है, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, जो ये भी मेरे पास है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो ये बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, एक ही जगह पे क्या है 4 अपॉन 5 ए क्यूब यानी एक्स क्यूब यानी 4 अपॉन 5 क्यूब, बी क्यूब की जगह पे क्या है 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 एक्स अपॉन में है होल क्यूब हो गया, ठीक है, 4 का क्यूब आ गया 64, आपके पास क्या आ गया 64 डिवाइडेड बाय 5 5 25 25 5 125, तो आपके पास 125, और ये आपके पास क्या आ गया x क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब 5 5 25 25 5 125, तो आपके पास क्या आ गया 125, 4 का क्यूब आएगा 4 4 16 16 4 160 16 4 64 64, और आपका पास क्या आ गया क्यूब आ गया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो उसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने प्रॉब्लम सेट कर लिए थे सॉल्व करने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, इस किस्म के प्रॉब्लम ढूंढ के आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई मसला हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में और सॉरी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू हेल्प यू।